हेलो एवरीवन, वेलकम टू के आर सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक्सरसाइज नंबर 8। आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 10 7 10 23 10 60 10 67 10 83 प्लस cot 54 अपॉन 10 36 प्लस sin 20 sec 70 माइनस 2। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो देखिए जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक पास अरेंज कर लेते हैं, 90 वाला पेयर बना लेते हैं ताकि कुछ वैल्यूज़ आपके कट जाए। 10 7 के साथ हम क्या अरेंज करेंगे कि 90 बनेगा, 10 83 को अरेंज कर लेते हैं। 10 23 के साथ हम क्या अरेंज करेंगे, 10 67 को। और 10 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है, रूट 3 होती है, ठीक है। प्लस अब देख लो आप, 7 और 83 90, 23 और 67 90। कॉट को हम चेंज कर लेते हैं 10 में, तो ये 90 माइनस 36 हो गया। चेंज करने का फ़ायदा क्या है, दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी। और ये पता कैसे चला कि दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, 54 और 36 आपका 90 बनाता है। प्लस साइन 20 है तो इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो ये हुआ साइन 90 माइनस 70 और ये हुआ आपका sec 70 और ये माइनस 2। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं, तो 10 को चेंज कर लेते हैं तो ये हुआ 10 90 माइनस 83 और ये हुआ आपका 10 83। 10 83 को वैसे ही रखा है, 7 को चेंज किया है 10 90 माइनस 83 में। 10 23 को चेंज कर लेते हैं 10 90 माइनस 67 और ये 10 67 और 10 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो ये हुआ आपका थीटा की जगह 36 है, 10 36 अपॉन 10 36 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 70 sec 70 माइनस 2। एक बार और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या फिर अभी 2-3 दिन से ही मेरा चैनल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फॉर्मूले मैं करा रही हूँ यहाँ पे, जो भी मैं आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसे अगर आपको देखना है तो आपको ये पीछे जा कर के वीडियोज़ को वापस से सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पर जा कर के आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मूले ये यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे, अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है या फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये कैसे होता है, इसको देखने के लिए आपको पीछे के वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। तो आप पीछे जो है जा कर के प्लेलिस्ट में ओपन करके इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 36 और 10 36 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर तो 1 आ गया। ये देखिए 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट 83 10 83 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 10 67 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये 1 कर दिया। कॉस 70 को हम लिखते हैं 1 बाई सेक में, अगर कॉस को नहीं चेंज करना है तो सेक को चेंज कर लेंगे 1 बाई कॉस में, कोई भी कर सकते हैं, सेक और सेक यहाँ से कैंसिल आउट मल्टीप्लिकेशन में है। कॉट को चेंज कर लेते हैं 1 बाई टेन में, 1 बाई 10 83 इंटू 10 83। कॉट को चेंज कर लेते हैं 1 बाई 10 67 में इंटू 10 67 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस, ये कट गया है तो ये 1 माइनस 2। यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 10 83 से 10 67 से यहाँ बचेगा हमारे पास 1, ये मल्टीप्लिकेशन में पूरा यहाँ तक है तो 1 और ये मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, देखिए अंडर रूट 3 प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।